सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब स्पीकर साहब, मुझसे पहले हमारे मेंबरान असेंबली ने बात की है और बाबर साहब ने तो बड़े वाजा बात की है और बड़े दलाल के साथ बात की है। जनाब स्पीकर साहब, पख्तूना दहशतगर्द नहीं है बल्कि पख्तूनों को निशाना बनाया जा रहा है और ये आज की बात नहीं है बल्कि पिछले 13 साल से हम ये जंग बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे स्कूलों को, स्कूलों में बच्चों को शहीद किया गया, मदारस को शहीद किया गया, उलमकराम को शहीद किया गया, वकला को शहीद किया गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई तबका नहीं रहा जो कि दहशतगर्दी का निशाना ना हो। जनाब स्पीकर साहब, बाबक साहब ने कहा कि यहां पर आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि आईन की क्या खिलाफ वर्जी हो रही है? आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 28 में खत्म होते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये सब की, इन सब की वायलेशन हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा सब का है, पख्तूनों का भी है, सिंध का भी है, पंजाबियों का भी है। जब वहां पर हम पंजाब में जाते हैं, वहां पर हम रिहायश इख्तियार करते हैं, मजदूरी करते हैं या तालीम हासिल करते हैं और हमें तंग किया जा रहा है, अरसा किया जा रहा है और हमसे हमारे शक्ति कार्डों के बारे में कुछ कुछ हो रही है और उनको ब्लॉक किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान हमें समझते नहीं है। हालांकि आईन हमें ये इख्तियार दे रहा है कि हम इस पाकिस्तान के रहिशी हैं और यहां पर हमें फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, तो एक तो इस फंडामेंटल राइट्स की मुकम्मल वायलेशन हो रही है। दूसरी बात यह जनाब स्पीकर साहब कि हम पख्तूनों को आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, हम एक डाल के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग रूस के खिलाफ हमें भी डाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, आज भी हम डाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाबी, और अगर कल ये उनका ये डाल टूट गया तो ये ना उनका ये पंजाब रहेगा ना ये पंजाबी रहेंगे, क्योंकि ये डाल जो है हम सरहद के ऊपर, इस सुबह का पहला नाम सुबह सरहद था, क्यों था? क्योंकि हम सरहद के ऊपर आबाद है, हम बाउंड्री के ऊपर आबाद है। पहला अटैक हम पर होता है, पहला हमला हम पर होता है, उसके बाद उन पर हमले होते हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, हम तो डिफेंस वॉल है, अब ये खुद अपने हाथ से डिफेंस वॉल को तोड़ रहे हैं और जब इनका ये डिफेंस वॉल टूट जाएगा तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि इनका ये पंजाब नहीं रहेगा और इनका पर ये लंग भी नहीं रहेगा। हमेशा पंजाब से आए, हमने तो क्या बर्दाश्त और आज भी कर रहे हैं बर्दाश्त, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, हम इस तरीके इतवा के तवासुल से इस गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और मरकज से भी अपील करते हैं कि पख्तूनों को अरसा मत करो, पख्तूनों को तंग मत करो, कल को ऐसा ना हो कि वही बांग्लादेश वही तारीख दोहराई जाए, क्योंकि फिर अगर हमें तंग किया गया तो फिर आज तो हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी आज, क्योंकि पाकिस्तान हमने बहुत ही मेहनत के बाद हासिल किया है, लेकिन अगर हम इस तरह तंग किया गया, इस तरह हरसा किया गया और इस तरह हमें दासवाड़ा तरीके से तंग किया गया तो सबसे पहले हम पख्तून होंगे, फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इस पख्तूनों के लिए दिफा के लिए उठ खड़े होंगे, फिर उनके जो हमारे वसाइल पर वो मजे कर रहे हैं, फिर ये वसाइल बंद कर देंगे इनके ऊपर। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं इस हाउस के तवासत से, मैं इस गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि पख्तूनों के साथ ये सलूक बंद किया जाए और ये रवायत बंद किया जाए और उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे उनको आईन ने दिया है। तो जनाब स्पीकर साहब, मैं वज़ीर आज़म से भी स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं इस सिलसिले में। थैंक यू।